अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। गक्कड़ ये दावा करते हैं कि वो महमूद गज़नवी के साथ 11वीं सदी ईस्वी की इब्तदा में 1001 से 1010 ईस्वी के दरमियान पोठोहार के इलाके में आए। कि ये गोहरनामा जो दुनी चंद की लिखी हुई है, जो एक सरकारी तारीख जिसे कहा जाता है गक्खड़ों की, उसके मुताबिक महमूद गज़नवी ने ये इलाका गक्खड़ों के जो जद्दी अमजद हैं उन्हें तोहफे में दिया और उसके बाद 785 साल या 750 साल उन्होंने इस पर हुकूमत की। दरियाए सवां के किनारे उन्होंने एक किला बनाया या उन्हें पहले से बना हुआ मिला जिसे किला फरवाला कहा जाता है, और दरियाए सवा के किनारे इससे आगे चलें तो फिर दान गली आता है दरियाए जेलम के किनारे, और उसके अलावा रवात का किला। ये तीन किले गक्खड़ों की मिल्कियत रहे हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि रामकोट फोर्ट जो है वो भी गक्खड़ों ने बनवाया था, लेकिन इस बात के तारीखी शवाहद मौजूद नहीं है। दरियाए सवा की अपनी एक अहमियत है। मैं इस वक्त दरियाए सवा के ऐन किनारे, मेरे सीधे हाथ को दरियाए सवा है और दरियाए सवा के पार फरवाला का किला अपनी रही सही शान व शौकत के साथ खड़ा है। रही सही का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अब वहाँ सिवाए दरवाज़ों के और कुछ भी बाकी नहीं बचा, वो खड़ा है। ये वही दरियाए सवा है जिसके किनारे कदीम तरीन इंसानी शवाहद मिले, यानी पत्थर के दौर के औजार मिले। चौंतरा, अडयाला, मलिकपुर, रवात। 1939 में एक जर्मन माहिर आसार कदीमा थे हेलमेट डी टेरा, उन्होंने ये दरियाफ्त किए और ये कहते हैं कि 2 लाख से 25 लाख साल पुराने खंडरात उन्होंने बरामद किए। डॉक्टर टीरा को रवात के करीब 2 इंसानी खोपड़ियाँ भी मिली, उनकी बाकियात, और वो खोपड़ियाँ 12,000 साल पुरानी, यानी पत्थर के ज़माने का जो आखिरी दौर था वो उस दौर की वो खोपड़ियाँ थीं। कहते हैं किला फरवाला भी 1000 साल पुराना है कम से कम। कि ये गोहरनामा 17वीं सदी में लिखी गई, मैंने बताया कि दूनी चंद का ये कहना है कि गक्खड़ जो है वो 1001 से 1010 के दरमियान यहाँ आए। गक्खड़ के ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि उनका जो आबाई वतन है वो क्यान यानी ईरान था, और इसी मुनासबत से वो क्यानी अपने आप को कहलवाते हैं। मैंने बताया कि 3 किले, एक फरवाला का किला, दान गली का किला और रवात का किला। रवात का किला बुनियादी तौर पर मैं उसे जो है वो किला शायद तस्लीम ना करूं, क्योंकि वो अपनी साख्त के अतबार से एक सराय ज़्यादा है, किला कम है, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें नहीं हैं जो एक किले में होनी चाहिए। कतार दर कतार कमरे बने हुए हैं और बिल्कुल वही इंतज़ाम है जो जीटी रोड पर किसी ज़माने में होता था, जब शेर शाह सूरी ने जीटी रोड को असर नौ तामीर कराया और उसके साथ साथ जो है वो सराय तामीर करवाई। तो रवात का किला एक जो है वो किले से ज़्यादा एक सराय है। अच्छा, फरवाला की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि फरवाला इनका दारुल हुकूमत रहा। दान किला, दान गली का किला वो तो बर्बाद हो गया, लेकिन जो फरवाला का किला है उसकी दीवारें सलामत है, रवात के किले की असर और मरम्मत की गई है और अब वो किसी हद तक देखने के काबिल है। जो गक्खड़ थे इनकी अपनी रवायात के मुताबिक उनके आखिरी सुल्तान, उनका नाम था सुल्तान मुकर्रब ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तान मुकर्रब ख़ान के मकबरे पर, जो कुछ ही दिन पहले महकमा आसार कदीमा ने घने जंगल में से बरामद किया है या दरियाफ्त किया है। मैं ये कहूँगा, मैं फरवाला पहले भी आया था, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपके फरवाला के बिलाग में मुकर्रब ख़ान की कब्र का तज़करा मौजूद नहीं। सुल्तान मुकर्रब ख़ान की कब्र उस वक्त घने जंगलों में घिरी हुई थी, झाड़ियाँ थी, आने का कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा हमें और ना किसी को पता था कि सुल्तान मुकर्रब ख़ान की कब्रें यहाँ से मौजूद है। हालांकि यहाँ सामने, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए तो सामने फरवाला किले की जो है वो दीवारें नज़र आती हैं। ये फरवाला किले के ऐन मशरक़ में वाक़ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। गक्खड़ मुकामी तौर पर इसे बाग जोगियाँ का नाम देते हैं, लेकिन उस ज़माने में जोगियों का ये बाग
जोगियों का जंगल हुआ करता था। 1865 में सर लिटिल ग्रिफिन की एक किताब है, दी पंजाब चीफ्स, उसमें सुल्तान मुकर्रब खान का तस्करा है। सर लिटिल ग्रिफिन लिखते हैं कि 1556 में जब मुग़ल शहनशाह तीसरा मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तख्त पर बैठा तो उसे सुल्तान सारंग खान का बेटा कमाल खान दिल्ली में था। अकबर ने फरवाला का किला उसे अता किया, हाकिम बनाया और उसी कमाल खान की औलाद में से दोलू मुराद खान, जिसे दोदा हक्कानी के नाम से भी जानते हैं और जिनका मज़ार जो है वो दानगली में मौजूद है, मैं वो मज़ार भी आपको दिखा चुका हूँ, उन्हीं की औलाद में से दोलू मुराद खान का जिक्र मुकम्मल कर दूँ। वो एक सूफी मंश इंसान थे, लिहाजा उनके जो उमूर सल्तनत थे वो उनकी जो अहलिया थी रानी मंगू जो है वो चलाती थी। कहते हैं कि गखरों की बहुत ही ताकतवर रानी थी और ये वही रानी है जिसकी बेटी की शादी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की के चौथे बेटे शहजादा अकबर से हुई थी। 1726 में दोलू मुराद खान का इंतकाल हो गया। सुल्तान मुकर्रब खान का ताल्लुक इसी दोलू मुराद खान या दोदा हक्कानी से है। 1726 में सुल्तान मुकर्रब खान गखड़ों के हुक्मरान बने और कहते हैं कि ये वो वाहिद हुक्मरान थे जिनकी अमलदारी दरियाए सिंध में यानी अटक से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी, दरियाए चनाब तक। इन्होंने यूसुफ़ई पठानों को शिकस्त दी, खटक कबीले के रईस कुली खान को शिकस्त दी और चिबों को शिकस्त देकर गुजरात और भिंबर पर भी कब्ज़ा किया। न सिर्फ ये बल्कि अहमद शाह अब्दाली के साथ भी ये मुहिमात में शरीक रहे और ये वो वाहिद गखड़ हुक्मरान थे जिन्होंने अपने नाम का सिक्का बनवाया और उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो सिक्के पर जो कंधा थी इबारत वो थी, दरमियान अटको जेहलम शुद्ध सुल्तान मुकर्रब बादशाह। सल्तनत के कारोबार बड़े बहुत अच्छे तरीके से जारी और सारी था, लेकिन 1765 में एक सिख रईस था गुजर सिंह भंगी, लाहौर का था, उसने लाहौर से निकलकर सिख अपना गोखड़ रियासत पर हमला किया, गुजरात में जंग हुई और जिसमें सुल्तान मुकर्रब खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि पस्ता होकर वो दरियाए जेहलम के दूसरे किनारे पर आ गए और वहाँ मोर्चाजान होकर उन्होंने कोशिश की कि वो असर नौ गुजर सिंह भंगी का मुकाबला करें, लेकिन जो है वो इसमें नाकामी हुई। कहते हैं कि इसी जंग के फौरी बाद उनका इंतकाल हो गया। इस बारे में तीन रवायतें बताई जाती हैं। एक तो कहते हैं कि जो पहली रवायत है वो ये कि सुल्तान मुकर्रब खान हाथी समेत नाला पलकू अबूर कर रहे थे। नाला पलकू अब तो छोटा सा है, मतलब इतना उसमें पानी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में नाला पलकू भरकर बहता था, यानी को दरिया होता था। तो कहते हैं कि वो हाथी समेत नाला पलकू में बह गए थे। और दूसरी रिवायत यह है कि वो रोहतास आए, रोहतास में उन्होंने क़याम किया यानी पसपा होने के बाद। डुमेली के रईस थे वो भी गखड़, हिम्मत खान उनका नाम था, और कहते हैं कि धोखे से उन्होंने सुल्तान मुकर्रब खान को मार कर दफन कर दिया कोटियाम की बावली में, या फेंक दिया, दफन तो बावली में, खैर क्या करना था, जा रहा है बावली में पानी था, कोटियाम की बावली में जो है वो फेंक दिया। और तीसरी रिवायत ये है कि वो शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद किसी न किसी तौर फरवाला पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वो किले में दाखिल नहीं हो सके और किले के बाहर ही उनका इंतकाल हो गया। ये जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा है। और अगर मैं कैमरा थोड़ा सा जो है वो यहाँ अपनी पीछे घुमाऊँ तो ये पीछे किला फरवाला की फसील की आखिरी बुर्ज मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यकीन आप भी देख पा रहे होंगे। ये तीन रिवायतें हैं कि जो है वो सुल्तान मुकर्रब खान को यहाँ दफन किया गया और उसके बाद ये इलाका गैर आबाद हो गया, और उसकी वजह भी ये थी कि गुजर सिंह भंगी ने सुल्तान मुकर्रब खान के चार बेटे, बताते हैं कि सुल्तान मुकर्रब खान के बेटों से तमाम जागीरें छीन लीं, लेकिन फरवाला उनके पास रहने दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो वक्त ने मज़ीद करवट ली। गुजर सिंह भंगी के बेटे साहब सिंह से लाहौर के ही एक और सरदार था मलखा सिंह थैपुरिया, थैपुरिया एक जगह का नाम है, तो मलखा सिंह वहाँ का रहने वाला था इसलिए उसके नाम के साथ थैपुरिया लिखा जाता है। तो मलखा सिंह थैपुरिया ने जो है वो साहब सिंह से रावलपिंडी का इलाका लिया और उसने गखड़ों से तमाम जागीरें छीन लीं और उन्हें कलाश और मुफलिस कर दिया। ये वही दौर था जब गखड़ों ने अपनी शनाख्त बदली और गखड़ कहलवाने के बजाय ख़ुद को राजा और क्यानी कहने लगे।
यहाँ तक कहा जाता है कि सरदार मलखा सिंह थे पूरिया के दौर में गखड़ों की उन्होंने ये बुरी हालत की कि उनके सर की कीमत 1 रुपया मुकर्रर कर दी। कहा गया कि जो किसी गखड़ की का सर लाएगा उसे 1 रुपया इनाम में दिया जाएगा। इस पेशकश के जवाब में जो सिख थे उन्होंने कत्लेआम किया गखड़ों का। बहुत से सरदार, शहजादे, रईस इसमें मारे गए और वो बाकायदा सर लाकर अपने सरदारों को यानी सिख सरदारों को पेश किया करते और इनाम पाया करते थे। एक किताब है तारीख़ क्यानियाँ, उसके मुसन्निफ है राजा परवेज़ अख्तर क्यानी। वो ख़ुद भी क्यानी कबीले के सरदार भी रहे हैं। उनका कहना ये कि कश्मीर का राजा गुलाब सिंह एक ज़माने में दानगली में गखड़ों का मुलाजिम हुआ करता था, लेकिन बाद में वो ताकत हासिल करते करते कश्मीर का राजा बन गया और 1821 में उसने फरवाला का जो किला था वो भी तबाह कर दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि महकमा आसार कदीमा ने इस जंगल की पहले सफाई की, इसे खोदा और वहाँ से ये मकबरा बरामद किया गया है। आइए आपको जो है वो मकबरा भी अंदर से दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इस मकबरे में क्या कुछ बाकी रह गया है। आज के व्लॉग में जुहेब एक बार फिर मेरे साथ हैं कहूटा से। हम दोनों भाई निकले हैं माई कुमरों की मस्जिद और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा तलाश करने के लिए। रास्ता अब भी खासा मुश्किल है, पूछते पूछाते यहाँ तक पहुँचे, खारदार रास्ता है और दो जगह तो हमारी बाइक जो है वो कीचड़ में जो है वो धंस गई। तो हमदान गली जब गए थे वो रास्ता भी मेरा ख्याल है ख़राब ही था, लेकिन ये उससे ज़्यादा ख़राब है। तो सड़क बन रही थी ना, ये तो अभी है ही नहीं ना, सड़क है ही नहीं सिरे से। सही है बिल्कुल। तो दो जगह जो है वो जैब ने मुझे कहा कि भाई उतरो ताकि मैं बाइक जो है वो निकाल सकूँ। सूरत हाल ये है कि जुहेब के अपने जूते सारे जो है वो कीचड़ में लथड़े हुए हैं और बाइक तो ज़ाहरा जब कीचड़ में से गुजरी है तो उसका क्या हाल हुआ होगा। मेरा ख्याल है आपको सिर्फ सर्विस नहीं करवानी पड़ेगी बाइक की, अच्छी तरह धुलवाना पड़ेगा। ऐसे ही है तो लेकिन क्या करें, जुहेब आसार कदीमा देखने का अगर शौक़ है तो फिर ये तो करना पड़ेगा। तो अगर आपने शौक इस तरह के पाले हुए हैं कि आप आसार कदीमा देखने जाएं वो भी मेरे साथ, तो हम ये जंगलों की खाक छानते फिर रहे हैं, हमारे चारों तरफ पहाड़ हैं जी, खामोशी है। महकमा आसार कदीमा के कुछ लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम दो भाई हैं। आज जो है वो जुहेब ने ड्रोन संभाला हुआ था, मैंने कहा तो कुछ वक्त बच जाएगा आप ड्रोन फ्लाई करवाओ। तो कैसा रहा जी ड्रोन आपका? ज़बरदस्त जी, बड़ा मज़ा आया और अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं और अच्छा लगा वैसे। अब देखते हैं सूरत हाल आगे क्या नज़र। सर कोई सूरत हाल नहीं, उसी रास्ते से हमने जाना है, फिर वही जो है वो कीचड़ होगा और कीचड़ में फिर मैं उतरूंगा, फिर आप बाइक निकालेंगे पाँव कीचड़ में रखकर और फिर हम आगे रवाना होंगे। अल्लाह खैर करने वाला है सर, ये तो फिर करना पड़ता है ना, बर्दाश्त करें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दानगली में हमने देखा था तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ फिर कुछ है? हाँ ये तो है, नहीं अच्छा खासा है। मैंने जब ड्रोन फ्लाई किया तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नजर आई हैं। अच्छा। बहरहाल ये था कि पहले मुझे लगा कि बस यही है, लेकिन ये आगे पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा। प्रॉपर जब मैंने देखा। लेकिन इस पर आपको अफसोस नहीं हो कि गखड़ों ने अपने वैसे की हिफाजत नहीं की? ये बहुत बड़े दुख की बात है कि बिल्कुल जो है ना, चलें ये एक अच्छी बात यह है कि दोबारा से एक काम दोबारा इनका शुरू हो गया, जो इसको प्रॉपर इन्होंने वापस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि गखड़ों ने इसकी तो वैसे कोई कसर अच्छा, एक 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 बात पर ज़रूर अफसोस है। चले अगर मुग़लों की कोई यादगार बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, तो हम ये कहते हैं जी कि मुग़लों के बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के बाद सिख आए और सिखों ने उसे बर्बाद कर दिया। तो यार ये तो गखड़ों का अपना इलाका है और अभी गखड़ यहाँ रहते हैं। ऐसे ही है, अभी वो बल्कि मैं उनसे बात कर रहा था तो वो कहते हैं जी कि आए हैं, कितनी फैमिलीज आई हैं गखड़ की, और वो कह रहे हैं जी ऐसे वैसे वैसे। लेकिन मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत बात है कि वो आगे बातें कर रहे हैं जी हम यहाँ आबाद हैं, ये इस तरह उस तरह, तो सब कुछ तो बर्बाद है इधर, बात तो कुछ नजर आबाद सिर्फ आप हैं, आपके बड़े बर्बाद हैं, ऐसे आपने अपने बड़ों के वरसे की हिफाजत नहीं की। नहीं बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर दिया, वो चीज़ नहीं है। अब ये तो वो यही था कि उन्होंने जो बड़ों ने मेहनत की थी वो चीज़ें उसकी वजह से रुकी हैं। बहरहाल वो उन पर होता तो ये तो वो अब कब की निकल गई होती। मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि 750 साल इन्होंने हुकूमत की और मुग़लों ने 350 साल की। उन्होंने 350 साल हुकूमत करने के बाद 350 ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जिनका विजिट किया जा सकता है, लेकिन 750 साल हुकूमत करने के बाद इनकी एक चीज़ भी सलामत नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल, वो तो
सलामती की जहाँ तक बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ही कुछ भी वो चीज़ नहीं है ना कि ये बात यह है कि वो अब देखें ना ये अभी इन्होंने दोबारा काम शुरू किया तो देखते हैं किधर पहुँचती है, पर वो हालात नज़र नहीं आ रहे कि जिस तरह जो सब कुछ ना गुम हो गया, ये तो अब दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये तो महकमा सारे कदीमों वालों को दुआएं दें कि उन्होंने जो है वो इस जगह को मैं अभी इनसे यही बात एक्सप्लोर किया। मैंने कहा यार अच्छी बात है, चलें इन्होंने जो किया ये अच्छी खासी चीज़ें। देखें लास्ट टाइम आपने जो विजिट किया था तब तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं था। मैं किला फरवाला का ब्लॉग करके गया हूँ, कुछ भी नहीं था, लेकिन कम अज कम चले ढांचे सही। लेकिन ये माई कमरों की मस्जिद का ढांचा इस वक्त नज़र तो आ रहा है ना, और पहले तो ये भी नहीं था। तो अब कम से कम ये ज़रूर है कि जो है ये मस्जिद हो सकता है अल्लाह करे दोबारा आबाद हो जाए। हाँ, आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं, हम हमारी दुआएं जो है वो साथ है कि अल्लाह ताला इस विरसे को जिस हद तक मुमकिन हो सके ये बहाल हो जाए, लोग यहाँ आएं और देखें कि पोठोहार का इलाका मतलब कितनी रिच हेरिटेज का मालिक है या कितना जो है वो यहाँ कीमती विरसा जो है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, इंशाल्लाह ताला फिर किसी अगले ब्लॉग में हम दोनों इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये माई कमरों की मस्जिद है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गखड़ों की रानी थी। हो सकता है उसका सही नाम कमर या कमरुन्निसा हो और बिगड़ कर कमरुन्निसा से बिगड़ कर या कमर से बिगड़ कर कमरों कर दिया गया हो, लेकिन तारीख इस बात की गवाही नहीं देती कि माई कमरों नाम की कोई रानी रही है गखड़ों की। गखड़ों में दो रानियां बहुत मशहूर हैं, एक रानी मंगू, फिर वही बात के जिसकी बेटी की शादी औरंगज़ेब के बेटे से हुई, रानी मंगू, और दूसरी रानी बाह। रानी बाह के बारे में ये कहा जाता है कि उसने रोहतास के किले के आसपास की ज़मीनों को सैराब करने के लिए दरिया झेलम से एक नहर निकाली थी। तो ये दो रानियों का ज़िक्र तो मिलता है, लेकिन रानी कमरों का ज़िक्र जो है वो नहीं मिलता। मतलब गखड़ तारीख इस बात की गवाही नहीं देती। ये भी कहा जाता है कि हाथी खान की बीवी थी। हाथी खान वही सुल्तान है जिसके दौर में बाबर ने फरवाला पर हमला किया और फरवाला पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, हाथी खान गखड़ सरदार जस्सर खान का भतीजा था। 1553 में सरदार जस्सर खान ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, जम्मू के राजा राय भीम को मार डाला और एक और हमले में कश्मीर का बादशाह था आला शाह उसे भी कैद कर लिया। अच्छा, जस्सर खान ने एक तुर्क जनरल मलक तोगान के साथ मिलकर दिल्ली की जानिब पेशकश भी की। इसने जालंधर पर तो कब्ज़ा कर लिया, लेकिन लुधियाना में शाही फौज ने इन्हें बुरी तरह मारा, शिकस्त दी और ये वापस रावलपिंडी भाग आया। अच्छा, जस्सर खान के बाद उसका भाई तातार खान बरसे इक्तदार आया, लेकिन तातार खान के ख़िलाफ़ हाथी खान ने बगावत की और उसे मार दिया। ये तातार खान का ही बेटा सारंग खान था जिसकी 16 बेटों के साथ कब्रें उसमें मौजूद हैं रवात के किले में। हाथी खान उस दौर में हुक्मरान था जब बाबर यहाँ आया। तातार का दामाद था मनुचहर, उसने बाबर उस ज़माने में भेरा के मुकाम पर मौजूद था अपनी फ़ौज के साथ। उसने वहाँ जाके शिकायत की बाबर को कि इस तरह हाथी खान हमें तंग करता है। जंजुए राजपूत जो थे वो भी हाथी खान के जो है वो मुखालिफ थे, उन्होंने भी बाबर को शिकायत की और बाबर ने यहाँ फरवाला पर हमला कर दिया। 1526 की बात है, ये कहते हैं कि हाथी खान ने मुकाबला किया लेकिन बाबर के साथ साथ चूँकि एक मुनज़्ज़म लश्कर था लिहाजा उसने उन्हें शिकस्त दी और इस पर फरवाला पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन हाथी खान की किस्मत अच्छी कि एक दरवाज़े से बाबर दाखिल हुआ अंदर और दूसरे दरवाज़े से हाथी खान फरार हो गया। और फिर कुछ अरसे के बाद वो बाबर की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ और उसने आकर मुआफ़ी तलाफ़ी की और यहीं से गखड़ों की दोस्ती का आगाज़ हुआ। बाद में कहते हैं कि ये जो बीवी माई कमरू है इसने जो है वो हाथी खान को जहर दे दिया था। अब क्यों दे दिया था ये नहीं पता, क्योंकि एक दूसरी रवायत भी मौजूद है कि हाथी खान को जहर माई कमरू ने नहीं दिया था, यानी ये जिसकी मस्जिद मैं दिखा रहा हूँ आपको उसने नहीं दिया था, बल्कि उसके जो है वो चचाजाद भाई सुल्तान सारंग खान ने दिया था। अब इनमें क्या हकीकत है क्या फसाना, तारीख गखड़ों की लिखी तो गई है कि ये गोहरनामा है, तारीख़ क्यानियाँ हैं, लेकिन उनमें इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं है। जो तारीख़ क्यानियाँ के जो मुसन्निफ़ हैं
राजा परवेज अख्तर कियानी, वो कहते हैं कि जी रानी कमरों के बारे में तारीख़ शवाहद नहीं कि ये किसकी बीवी थी। उन्होंने भी दो रानियों का जिक्र किया, मंगो का और बाह का, और जो है वो कहते हैं कि यहाँ से ये जाम यानी मस्जिद के अहाते से एक अंगूठी और बहुत सारे हुक्के मिले हैं। तीन गुम्बद हैं कहते हैं, इसके मीनार भी हुआ करते थे। आसार ये बताते हैं कि इसके तीन और चार मीनार भी थे, लेकिन अब मीनार नहीं रह गए। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, ये इधर मेहराबें बनी हुई हैं, और ये गुम्बद आपको नज़र आ रहा होगा। पत्थर दायरा साल हर साल तक बेआबाद रहने और जंगल में दबे रहने की वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई हुई है। पत्थर बिल्कुल ऐसे जैसे टिके हुए हैं किसी चीज़ पर। महकमा सारे कदीमा इसकी बहाली और जो है वो रेनोवेशन का काम कर रहा है। देखते हैं कि अब ये कितने अरसे में मुकम्मल होता है। ये मस्जिद का दरमियानी गुम्बद, ये इस वक्त इसकी मुरम्मत जारी है, इसका सर्वे हो रहा है। ये मस्जिद की मरकज़ी मेहराब है, और ये जनाब इसकी तीसरा गुम्बद, इसका टूट गया हुआ है अपना चट्टानों में और जंगल में दबे रहने की वजह से। यहाँ से आसमान साफ नज़र आता है, पत्थरों की हालत वही है। अल्लाह करे कि जितनी जल्दी ये ठीक हो जाए उतनी जल्दी ये बेहतर है। तो ये माई कब्रों की मस्जिद के अहाते के बाहर कई कब्रें हैं। इनमें से तीन कब्रें खासी बुलंद हैं। ये जो सामने कब्र आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये राजा तातार खान की कब्र है। राजा तातार खान सुल्तान सारंग खान के वालिद, और हाथी खान जो बाबर के हमले के वक्त गखड़ों का सरदार था या सुल्तान थे, उनके चचा राजा तातार खान। हाथी खान इन्हीं राजा तातार खान के ख़िलाफ़ बगावत करके उसने किले पर कब्ज़ा किया और बाद में हुकूमत में आया। ये दो कब्रें सामने हैं, ये कब्रें भी ऊंचे चबूतरों पर बनी हुई हैं, और लगता यही है कि ये भी अपने वक्त के सुल्तान थे गखड़ों के या सरदार थे। लेकिन कोई तख्ती नहीं लगी हुई, कोई शनाख्त नहीं, इसलिए नहीं बताया जा सकता कि ये किन सरदारों की कब्रें हैं। लेकिन इनका जो जुस्सा है, मतलब कब्रों की जो जसामत है, जिस अंदाज में ये बड़ी कब्रें बनाई गई हैं, उससे लगता है कि ये भी गखड़ सरदार रहे होंगे। ये तीसरी कब्र है, ये भी किसी सरदार की कब्र है। अच्छा, इसी तरह अहाते में ये जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये नीचे ज़मीन पर बहुत सी कब्रों के निशान हैं। कुछ के निशान बिल्कुल मिट चुके हैं और कुछ निशान बाकी हैं, जैसे ये कब्रें हैं। इन कब्रों के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी गखड़ों की कब्रें हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद एक कब्र की खुदाई भी की गई है, जिससे ये पता चला है कि ये किसी लड़ाई में मारे गए थे और इनकी तदफीन हंगामी तौर पर की गई थी। और गखड़ों की जो मुकामी ज़राए हैं वो ये कहते हैं, उनकी अपनी जो रवायात वो ये बताती हैं कि ये उस दौर की कब्रें हैं जिस वक्त बाबर ने 1526 ईस्वी में हमला किया था फरवाला पर, और फरवाले के जो गखड़ सिपाही थे वो लड़ते हुए मारे गए थे। ये उन फरवाला के जो सिपाही थे, ये उनकी कब्रें हैं दरिया के पार, यानी दरिया के दाएं किनारे पर। मेरे साथ मौजूद हैं आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर मियां मोहम्मद अजीम साहब। कुमरू की मस्जिद और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा जो आज इस हालत में नज़र आ रहा है, वो इनकी काविशों का नतीजा है। तो मियां साहब, हमें थोड़ा सा बताइए प्लीज़। मैं ये भी दिखाता हूँ जो पहले की हालत है। ये जनाब पहले की सूरत हाल है, तस्वीरों की शक्ल में महफूज है। जब हम यहाँ पे आए थे तो उस टाइम ये इसकी सूरत हाल थी। ये तमाम जो साइट है, ये जंगल के अंदर, और ये बिल्कुल यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर, तो यहाँ से एंट्रेंस भी मुश्किल थी। तो हम पहली बात तो ये है कि इस जगह, इस तरह के एरिया के अंदर जो है, सबसे जो बड़ा मसला है वो मोबिलाइजेशन का होता है। सही। तो यहाँ पे मोबिलाइज करना साइट के अंदर और अपने स्टाफ को यहाँ पे रोकने के ऊपर, उनको आमादा करना, उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाना, ये सबसे बड़ा काम था। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई रोड नहीं आती। सही। तो इस सिनेरियो के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे रोड डेवलप की,
रोड डेवलप करने के बाद हमने यहाँ पे अपना जो है ना वो कंटेनर्स के अंदर हमने अपना ऑफिस स्टेब्लिश किया। सही। तो जिसकी मदद के जिसके हेल्प के साथ हमने जो है अपना स्टाफ यहाँ पे मोबिलाइज किया, उसके बाद हमने इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू किया। अच्छा। तो आप ये लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं ये बिफोर की फोटोग्राफ है, और राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये अभी जो काम हमने कर लिया है उसके बाद आफ्टर की फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, ये जो अभी तक काम हो चुका है। जी जी, अभी तक ये हो गया, ये राइट साइड पे है। सही। इसमें मेन मॉस्क हमने जो है उसको एक्सप्लोर कर लिया है, उसके बाद हमने इसके कोर्ट यार्ड और एवरीथिंग इसको हमने जो वेजिटेशन रिमूव कर दी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें हमें तीन मेन जो ग्रेव्स हैं वो भी निकल आई हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये वो बहुत धुंधला सा सुनकर नज़र आ रहा है, बल्कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये जो ये घास वाली जगह जो है, जंगल वाली जगह जो है, इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें बहरहाल इनके निशान नज़र आ रहे हैं। ड्यूरिंग द एक्सकवेशन हमने ये भी एक्सप्लोर किया है कि ये जो तीन ग्रेव्स हैं, इसमें जो मेन ग्रेव जो मॉस के साथ है ये तो तातार साहब की है, तो बाकी जो इसके अलावा हमने इसके साथ जो वो मकबरा है उसके ऊपर भी तकरीबन सेम पोजीशन थी, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं दूसरी जगह में, तो उसको भी हमने क्लियर करवाया है, और उसके अंदर भी बिल्कुल आप इंटर भी नहीं हो सकते थे। उसके अंदर हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन भी की है, उसकी क्लीयरेंस भी की है, और अभी हम नेक्स्ट फेज़ में इसकी डिमार्केशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और जैसे इसकी डिमार्केशन होती है तो फिर हम इसकी साइड पे एक फेंस लगा देंगे ताकि फ्यूचर के लिए ये तमाम साइड जो है ये प्रिजर्व हो जाए। अच्छा, कोई अंदाज़ा है कि कितना अर्सा इसमें लग जाएगा, साल डेढ़ साल? हमारा प्लान है कि जून 2025 से पहले पहले हम इसको इस पूरे प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर दें। ओके। तो चूँकि ये जगह काफ़ी बड़ी है और इसमें तीन जगह इन्वॉल्व है, एक तो ये मॉस का जो है जगह है, और एक उधर जो टॉम वाली जगह है, और एक इसके अंदर ये ओल्ड ग्रेव यार्ड भी है। तो ये तीन जगह है, उसकी डिमार्केशन करने के बाद हम इसकी जो फेंसिंग है वो करेंगे, और मीनवाइल हम जो मॉस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स ख़राब हैं बहुत ज़्यादा, उनकी हम प्रेजर्वेशन भी कर रहे हैं और उनको हम स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं। इसके अंदर जो एक टॉम जो ऊपर से डोम गिरा हुआ है उसकी हम ऊपर से उसके अंदर फाइबर का हम शेड दे रहे हैं ताकि वो पानी के साथ मजीद जो है वो खराब ना हो। जी। ओके। और इसकी हम रिस्टोरेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा प्लान है कि सबसे पहले हम इस एरिए की फेंसिंग करें ताकि इसको मजीद खराब होने से बचाया जा सके। अच्छा, जब आप पहली बार आए तो अंदर क्या था? जब हम पहली दफ़ा आए तो इसके अंदर भूसा पड़ा हुआ था और गोबर पड़ा हुआ था और बहुत ही बुरे हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि अब ये बहुत मस्जिद है, तो ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए तो बहुत ये प्रीशियस जगह है, तो अब काफ़ी बेहतर हालत में हो गई। हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की पहली मस्जिद है। बिल्कुल जी, ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद है। सही। माई कमरों की मस्जिद से एक रास्ता जाता है जंगल में से होता हुआ उस मकबरे की तरफ जिसे सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा कहा जाता है, लेकिन उसमें चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं। तो ये जंगल अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये रास्ता महकमा आसार कदीमा ने बनाया है, आर्जी रास्ता है, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इसमें बेहतरी होगी और लोगों को आने की इजाज़त भी दी जाएगी। अभी तो तरक्याती काम हो रहा है। ये सामने मकबरे का गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा, आइए चलकर देखते हैं कि मकबरे के अंदर क्या है। सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा, ये हम पहुंच गए हैं। ये सामने आपको चार दीवारी नज़र आ रही होगी। ये जनाब, ये मकबरे का बैरूनी मंजर, ये उसका दाखिली दरवाज़ा, और ये जनाब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। कहते ये हैं कि इसके अंदर कब्र मौजूद नहीं सुल्तान मुकर्रब खान की, सिखों ने वो कब्र ख़त्म कर दी थी। बाहर कुछ कब्रें हैं, ये भी कहा जाता है कि गखड़ सलातीन की कब्रें हैं,
बड़ी बड़ी कब्रें हैं, इनमें से कोई ये कब्र कहते हैं कि जी सिखों ने वहाँ से निकाल कर, मकबरे से निकाल कर बाहर दफन कर दी थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर सिखों ने उसे दफन करना होता तो निकालते क्यों। तो ये सूरत हाल थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन अभी इस पर तहकीक होना बाकी है कि इनमें से सुल्तान मुकर्रम खान की कब्र कौन सी है। ये दाखिली दरवाज़ा सुल्तान मुकर्रम खान के मकबरे का, अंदर वाकई कुछ नहीं है, खाली है मकबरा। तो अगर सिखों ने, मैंने नूर जहाँ के विलाग में कहा था, नूर जहाँ के मकबरे का जब मैंने विलाग किया तो मैंने उसमें बताया था जी कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में हीरे जवाहरात की तलाश में नूर जहाँ की जो का जो ताबूत है उसमें से उसकी लाश और उसकी बेटी लाडली बेगम की लाशें निकाल ली गई थी। हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, लेकिन जो कब्र थी वो, मतलब जो ताबूत था नूर जहाँ का, उसे खोल लिया गया और उसकी हड्डियाँ कुत्तों के सामने डाल दी गई। सिखों ने अपनी दुश्मनी निकाली मुसलमानों के साथ और अपने गुरु का बदला लिया, जिसे नूर जहाँ के शोहर जहांगीर ने, गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु, जिन्हें उसने मौत की सज़ा दी थी और उन्हें सजाए मौत दे भी दी गई, और उनका जो गुरुद्वारा है समाधि रंजीत सिंह के साथ गुरुद्वारा उनकी याद में बनाया हुआ है। तो लोग मुझसे उसका रेफरेंस मांगते हैं, हवाले मांगते हैं। मैं आज दोबारा एक और ऐसे ही मकबरे में खड़ा हूँ जहाँ की कब्र सिखों ने उखाड़ दी। आज सिख मुसलमानों के बहुत हमदर्द बनते हैं, भाई बनते हैं, दोनों में मोहब्बतें बहुत है। करतारपुर राहदारी में और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी और भारतीय सिखों की और मुसलमानों की मुलाकात होती है। यानी पाकिस्तान की तरफ से मुसलमान फनकार आते जाते हैं और वहाँ से सिख फनकार आते हैं, सियासतदान आते हैं, सारे आते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं सिखों को कि उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया। सदियों तक एक थाली में खाया और उसके बाद उसी थाली में हिंदुओं के कहने पर छेद किया और जो मारामारी उन्होंने की वो सबके सामने है। तो सुल्तान मुकर्रम खान का जो मकबरा है ये खाली है, ये होता है इंतकाम। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंतकाम की आग में इंसान इतना अंधा हो जाए कि लाशों की बेहुरमती करे। ठीक है, दुश्मनियाँ तब तक अच्छी लगती हैं जब तक इंसान जिंदा हो। सुल्तान मुकर्रम खान अगर सिखों का दुश्मन था या सिखों के हाथों उसने शिकस्त खाई थी, तो इसका ये मतलब नहीं था कि उसकी लाश को यूं पामाल किया जाता या उसके मकबरे में से लाश निकाल दी जाती। अब ये कहते हैं कि जी ये जो कब्रें बनी हुई हैं इनमें से कोई ये कब्र सुल्तान मुकर्रम खान की हो सकती है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई हतमी बात इसलिए नहीं कही जा सकती कि इसके बारे में कोई तहकीक नहीं हुई। अब कोई मुहक्कक ही बता सकता है या इन कब्रों की जो है वो मतलब इनमें से जो बची कुची चीज़ें हैं वो निकाली जाए, कब्र कुशाई की जाए और पता चले कि ये कब्रें इनमें से कौन सी कब्र सुल्तान मुकर्रम खान की है। लेकिन कहने वाले यही कहते हैं कि अगर सिखों ने कब्र निकाल ली थी तो उन्हें नई उम्मीद के उन्हें दोबारा दफनाया गया होगा, बल्कि इम्कान यही है कि जैसे नूर जहाँ की हड्डियों को कुत्तों के हवाले कर दिया गया, मुमकिना तौर पर सुल्तान मुकर्रम खान की लाश को या जो उनकी बाकियात थी, हो सकता है कि दरिया सवा में कहीं फेंक दिया गया हो और दरिया उन्हें कहीं बहा ले गया हो, या ये भी मुमकिन है कि वाकई कोई खुदा तर्स कोई सिख हो, कोई हुक्मरान हो, कोई सरदार हो, जिसने उन्हें दोबारा दफन कर दिया हो। ये सामने सिखों के दौर की एक इमारत है और ये मेरा ख्याल है वाच टावर के तौर पर बनाई गई थी मकबरे के बिल्कुल साथ, लेकिन इसकी बुनियादें मुसलमानों की कब्रों पर रखी गई हैं। तो इस बात से भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि सिखों की नज़र में मुसलमानों के मुकद्दस मकामात या कब्रों की क्या अहमियत थी। उन्होंने जी भरकर मुसलमान विरसे को तबाह किया, बर्बाद किया। लाहौर उसका मुंह बोलता सबूत है कि लाहौर में उन्होंने कोई इमारत ऐसी नहीं छोड़ी आज इस पर से पत्थर ना उतारे हों। तो ये है सूरत हाल सारी कि सिखों ने तकसीम से पहले कम अज़ कम मुसलमानों के साथ जो भाईचारा था वो ख़त्म कर दिया, और 1947 में भी कत्लेआम हुआ, और जब रंजीत सिंह यहाँ हुक्मरान था और उसके बाद आने वाले लोगों ने या उससे पहले आने वाले लोगों ने जो सिख हुक्मरान लाहौर पर थे, जैसे ये मलक्का सिंह थे पूरिया और साहब सिंह या ये गुजर सिंह भंगी,
उन्होंने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया मुसलमानों के साथ। सुल्तान मुकर्रम खान का खाली मकबरा मुँह चढ़ा रहा है। और ये आज मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मुमकिन है कि गखड़ों को वो अच्छी ना लगे, लेकिन सुल्तान मुकर्रम खान का मकबरा अगर सदियों तक जंगल में और झाड़ियों में छुपा रहा और यहाँ आने वाला कोई नहीं था, तो उसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है, बल्कि गखड़ माशाल्लाह अब भी यहाँ आबाद है। ये पूरा इलाका गखड़ों का है, इन्हें खुद अपने पुरखों की कब्रों की हिफाजत करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की, और इसी वजह से ये सारा कुछ कई सौ साल तक ज़माने की नज़रों से ओझल रहा। और अब जाकर 2024 में जाकर पता चला कि यहाँ सुल्तान की कब्र भी है और माई कमरों की मस्जिद भी है। ये सुल्तान मुकर्रम खान के मकबरे की पहली हालत ये है जी। मियाँ साहब, जब हम यहाँ पे आए थे तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंटर भी नहीं हो सकता था बंदा, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी हमने कैसी की होगी इस काम को सर अंजाम देने के लिए। इसके अंदर इतनी कांटेदार झाड़ियाँ थीं, इस जगह के ऊपर आप, ये सारी कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो इसमें आप इसके अंदर इंटर होना भी बहुत मुश्किल था। सही। ये एक्चुअली मॉस से ज़्यादा इसको क्लीनिंग जो है ना वो ज़्यादा इसकी मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है ये एक तो कम्पैक्ट बड़ी कंजेस्टेड सी जगह है और इसके अंदर इंटर होना भी, ये सारे कांटे हैं ये वाले, और एक बहुत बड़ा इसके ऊपर पीपल का ये दरख्त इसके ऊपर था जो कि आप इस फोटो में वो कटा हुआ जो नजर आ रहा है। ये हमने इसको अभी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं ताकि अगर हम इसको यकदम ख़त्म करेंगे तो ये फिर इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो भी डैमेज हो जाएगा। सही जी। तो इसमें भी हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की है, अभी क्लियरेंस हमने इसकी 100% कर दी है। अच्छा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना इंटैक्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर निकल आएगा, लेकिन लकीली इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटैक्ट है और ये बहुत खूबसूरत एक मॉन्यूमेंट है हमारा माशाल्लाह। और इसको भी हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये काम थोड़ा सा अभी स्लो है सिर्फ डिमार्केशन की वजह से, क्योंकि इसकी भी लैंड है हमारे पास, तो वो हम इसको सारे को डिमार्केशन करके सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम इसकी जो फेंसिंग है और इस तरह के जो काम अलाइड काम है जो वो हम करना चाह रहे हैं, ताकि मज़ीद जो ह्यूमन वैंडलिज्म एनिमल वैंडलिज्म इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकें। तो इस टॉम के अंदर काफ़ी सारे इलीगल डिगिंग भी हुई हुई थी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहले के लोगों ने इसके अंदर इलीगल डिगिंग्स की हुई थी। तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने इसमें एक्सप्लोर की हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, मैंने सुना ये है कि ये इसके साथ जो कब्रिस्तान है उसमें बाबर के ज़माने की कब्रें भी मिली हैं। जी जी, काफ़ी एंशंट कब्रें हमारे पास हैं, क्योंकि ये पूरा एक इसका जो कब्रिस्तान है वो भी इसका पार्ट है एक्चुअली। ओके। तो उसमें अभी जो एक्सकवेशन है वो बाकी है। अच्छा। वो हमने अभी स्टार्ट नहीं की क्योंकि वो हमें पूरा एरिया अभी कन्फर्म नहीं है, तो वो डिमार्केशन की वजह से रुका हुआ है, तो वो जैसे क्लियर होता है तो फिर हम वो सारी कब्रें जो हैं उनको भी एक्सपोज करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये सिखों की बनाई हुई इमारत का जिसकी बुनियादें मुसलमानों की कब्रों पर रखी गई हैं, ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। ये उसका एक कमरा है, उसमें ताक भी बने हुए हैं। ऊपर जाने का रास्ता शायद नहीं है, मैं छलांग लगा कर ऊपर नहीं चढ़ सकता, देखता हूँ नहीं, सीढ़ियाँ भी नहीं हैं जी कहीं। ये एक दरख्त की जो है वो जड़ें भी यानी तना भी इस दरख्त में उगा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बाद में उगा होगा। जब ये इमारत बनी होगी तब तो ये दरख्त नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आने वाले सालों में जब यहाँ जंगल था तो उस वक्त ये दरख्त उगा होगा। मुझे खुशी है, मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर लोन साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कमरू मस्जिद और सरदार सुल्तान मुकर्रम खान के मकबरे को जो जंगल से निकाल कर दुनिया की नज़रों के सामने लाए हैं, ये सारा कारनामा डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है जंगल से मंगल होते हुए देखते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एफर्ट की है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है इसमें आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को इतना आज तक ना एक्सप्लोर किया गया था पहले, ना कोई प्रमोट किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी ने फर्स्ट टाइम ये दो प्रोजेक्ट यहाँ जनरेट किए कि इस्लामिक हिस्ट्री के 16th century के मोनूमेंट्स हैं यहाँ, जिसमें इस्लामाबाद की सबसे ओल्डेस्ट मार्क जो है ये माई कमरों की है, जो हाथी खान की वाइफ थी उसने बनवा के उसके नाम से मंसूब की है। और इसके साथ ही लास्ट गखड़ रूलर इंडिपेंडेंट थे मुकर्रम खान साहब, उनका मकबरा भी इसके साथ ही तकरीबन 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं इसके बारे में क्लेम किया जाता है कि जो ततार खान थे ये उनका मज़ार है और ये उनकी कब्र है। और इसके अंदर जो हमें जो आर्किटेक्चरल फीचर्स मिलते हैं वो बड़ी यूनिक हैं कि इससे पहले इस एरिया में तो इस्लामाबाद के अंदर तो ऐसा आर्किटेक्चर नहीं मिलता हमें कि गखड़ों के जितने मोनूमेंट्स हैं
मस्जिद, क्या कहते हैं टॉम, और इसके अलावा फोर्ट, लेकिन इसके अलावा इस मकबरे की चार दीवारी और इस कब्र के साथ भी छोटे छोटे टावर बनाए गए हैं जो जैसे बास्टन होते हैं। अच्छा, और ये जैसे आपने ये बिल्कुल ये आप देख रहे हैं जी, जी। बास्टन बने हुए हैं, ये फ्रेगमेंट ऊपर पड़े हुए हैं। सही। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है चूंकि गखड़ थ्रू आउट हिस्ट्री एज अ वॉरियर जाने जाते हैं। सही है। तो एक साइकोलॉजी का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में भी था कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में ना इस स्ट्रेंथ और पावर अग्रेसिवनेस को शो करने के लिए ना यही स्टाइल अडॉप्ट किया। तो जहाँ जहाँ ये मिलते हैं इससे बड़ा ईजी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये गखड़ पीरियड के मोनूमेंट्स हैं जो नॉर्मली हमारे पास 16 सेंचुरी से ऑनवर्ड चल रहे हैं 19 तक। ठीक। तो इस्लामाबाद के अंदर ये डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो स्पेस है, इन्वायरमेंट है इसके इर्द गिर्द वो बड़ा क्वाइट, नीट और क्लीन है और इन फ्यूचर टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। और हमारी कोशिश है कि डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी कर रहा है कि जो फरवाला फोर्ट है इसकी अभी PC2 तैयार हो रहा है, तो उसकी जो फोर्टिफिकेशन वॉल थी उसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर वो क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद इसकी कंजर्वेशन का काम भी किया जा सकता है शुरू। और इस्लामाबाद के रहने वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए एक इतने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, लार्ज स्केल आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स हैं इस रीजन में एक ही जगह मिलनी के फोर्ट, मास्क और टॉम, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ एरिया बहुत पुरसकून भी है और महफूज भी है। अभी भी यहाँ फॉरनर्स भी आ रहे हैं, लोकल तो ईजीली आ रहे हैं, और रोड एक्सेस भी है हमारे पास यहाँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी की यहाँ फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए भी डेवलप की जाएंगी मज़ीद। फ़िलहाल यहाँ वाशरूम भी अवेलेबल है टेम्परेरली और पीने का पानी भी है। तो मैं दावत दूंगा कि जितने लोग आर्ट या हिस्ट्री से शौक़ रखते हैं वो ज़रूर यहाँ विज़िट करें और इसको एक्सप्लोर करें और अपनी ओपिनियन भी हमें दें वो क्या कहते हैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब कितना अर्सा मज़ीद लगेगा इसको? बात यह है कि अभी तो हमने उसको सिर्फ खोला है, इसको क्लियर किया है। इसमें जो मास्क और टॉम्ब है ना इसमें तो कम अज़ कम 3 से 4 साल लगेंगे। अच्छा। क्योंकि इसमें लैंडस्केप भी है, कंजर्वेशन भी है। आपने देखा स्ट्रक्चर के अंदर ना वाइल्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा डैमेज है, पहले हमने उसको कंट्रोल करना है क्योंकि उसके बगैर हम इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। लेकिन जो फोर्ट है एक तो एरिया बहुत ज़्यादा है उसका और उसकी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसमें हमें शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। फोर्ट का 63 एकड़ बताते हैं वो 36 एकड़ है, उसकी जो फोर्टिफिकेशन वॉल है सिर्फ वो 2 किलोमीटर है, जिसके अंदर 5 मेजर मेन गेट्स हैं एंट्री के, बहुत बड़े बड़े गेट हैं और इसके अलावा छोटे पायलट गेट्स भी उसकी दीवारों के अंदर हैं। अच्छा। तो उसकी 2 किलोमीटर फोर्टिफिकेशन वॉल जिसकी हाइट 30 फीट से भी अबव है और 5 to 10 feet वाइड वॉल भी हैं। अच्छा। तो उतने स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना अगर आप देखेंगे उस पर नज़र डालेंगे उसकी जो अबाउट मोर देन 30% फोर्टिफिकेशन वॉल डैमेज हो चुकी हुई है, क्रैप्स है। लेकिन लकली अच्छे टाइम पे हम आ चुके हैं, कम अज़ कम जो बाकी ओरिजिनल मोनूमेंट्स उसके हैं उनको हम प्रिजर्व करें, उसको रिस्टोर करें पब्लिक के लिए। और इस्लामाबाद के अंदर इतना खुली जगह टूरिस्ट के विजिट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनके दरमियान में सवान रिवर का गुजरना बहुत ही अमेजिंग सीन है आने वालों के लिए। ज़बरदस्त। और सवानियन कल्चर बहरा लाखों साल पुराना है। ओ बिल्कुल 20 लाख साल, ये मतलब है हम सोच नहीं सकते कि ये क्लेम करना कि 20 लाख साल पहले यहाँ इंसान रहते और उसका सबूत भी मौजूद है, और ये दुनिया की सुपर पावर में किसी के पास नहीं है, किसी के पास सिर्फ पाकिस्तान में है। हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मैं चलते चलते मैं ज़रूर कहूँगा, जब 1960s में इस्लामाबाद आबाद हुआ तो लोग कहते थे इस शहर की तारीख कोई नहीं। मैं क्रेडिट दूँगा आप लोगों को कि आप इसकी तारीख क्रिएट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये लकली डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं, हमारी सेक्रेटरी है नेशनल हेरिटेज कल्चर डिवीजन, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और इस बहुत रिमोट एरिया के अंदर जहाँ आम फैसिलिटीज नहीं थी अवेलेबल, उन्होंने फुली सपोर्ट किया है। तो हमने इसको ना शुरू कर दिया है काम इंशाल्लाह। इससे पहले भी बन फकीरा में हमने किया था जो सबसे ओल्डेस्ट मोनूमेंट है इस्लामाबाद के अंदर, अबाउट 2000 ईयर, और अब ये इस्लामिक हिस्ट्री की दी ओल्डेस्ट मास्क जो है यहाँ इस्लामाबाद में डिस्कवर हमने कर लिया, एक्सपोज कर दी है, उसकी कंजर्वेशन भी होगी। तो फिर इंशाल्लाह फोर्ट के अंदर जो मजीद डिस्कवरी होंगी मे बी वो हिस्ट्री में और कोई चेंज भी लाएँ। चलें जी अल्लाह करें, विश यू ऑल द बेस्ट सर, और थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। 1960 की दिहाई में जब पाकिस्तान के नए दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की बुनियाद रखी जा रही थी और नई इमारतें तामीर हो रही थी और जंगल को साफ करके शाहराहें बनाई जा रही थी, तो लोग कहते थे कि इस इलाके की कोई तारीख नहीं है।
यानी इस्लाम आबाद की कोई तारीख नहीं। हालांकि कम से कम 375 देहात आबाद थे उस जंगल में, यानी मारगला की पहाड़ियों के दामन में जो जंगल वाक़ था, और जिसे काट कर और उन लोगों को बेघर करके उन्हें मुतबादल जगहें फराहम की गई उन 375 देहात के वासियों को। और इसके बावजूद ये कहा जाता था कि इस्लामाबाद की तारीख कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद वो शहर है जो कब्रों पर आबाद है। लेकिन अब लगता है कि इस्लामाबाद की तारीख के पर्त आहिस्ता आहिस्ता उल्टे जा रहे हैं। फरवाला का किला ये दरियाफ्त हुआ, उसके बाद फिर आप शाह अलादिता के गार, बन फ़कीरा का तालाब, उसकी मस्जिद और बन फ़कीरा का स्टूपा। लेकिन मैं उसे स्टूपा नहीं मानता, मैं उसे सो कॉल्ड स्टूपा कहता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे वो स्टूपा बतौर ख़ास बना दिया गया है ये बताने के लिए कि जी बुद्ध मत के पैरोकार या बुद्ध भक्षु कभी यहाँ बैठ कर इबादत किया करते थे। मेरे ख्याल में वो एक तख्त की नुमाश शक्ल है, मुमकिन है कि वही तख्त हो जो टेक्सला के राजा अम्भी ने अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट के लिए बनाया था, क्योंकि अलेक्ज़ेंडर इसी रास्ते से, वही कैंथला वाली सड़क से जो हरिपुर से शाह अलादिता के कारों को आती है, उसी सड़क से इस इलाके में दाखिल हुआ था। अब ये मकबरे जो साल हर साल तक जंगलों और झाड़ियों में छुपे रहे, ये दरियाफ्त हुए हैं, तो यूं कह लें कि इस्लामाबाद को एक नई शनाख्त भी मिल रही है और नई तारीख भी मिल रही है। तो ये मैं कहने में हक बजाने दूंगा कि वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद के बारे में भी ये कहा जाएगा कि ये हज़ारों या सदियों पुराना शहर है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।